हुआ कि उनको जो भी क्रेडिट है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, अभी ये इनका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो बड़े सेक्सी कर रहे हैं वेरी गुड। एंड मैंने फिल्मों में क्या किया वो तो आप सब लोग जानते हैं, जानते हैं ना पीछे पर डर क्या है। हाँ देखिए यही तो बोल रहे हैं, और सारी जिंदगी भर साड़ियाँ खींचता रहा, दुपट्टे खींचता रहा, और उसी में मेरे 50 से 55 साल पूरे हो गए। भाई नसीब वाले हैं, नसीब वाले हैं। अभी आपने बोला ना शेयर कहता है इसे मालूम है ये दुनिया भरी किसके लिए, सुन रहे हैं पीछे वाले सब सुन रहे हैं सब सुन रहे हैं, इसे मालूम है ये दुनिया भरी किसके लिए, क्या पता आया है ये इंसान किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अज्ञात सफर किसके लिए। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। Amazing event, first of all. Cinebuster Cine Awards ko I really really wish all the best, and thanks to Sujoy Mukherjee who personally invited me for this event. And I have worked with Sujoy Mukherjee too in the film called Nachaniya. It was a great great film, and I really wish ki aap sab is movie ko dekhe aur bataye ki movie kaisi hai, and otherwise Sujoy have done lot of movies. So I'm very happy. Mr. Ronnie Roderick is a new showman, man. Is a new showman and fantastic man, a very simple man. एक सिंपल आदमी का मिलना इस स्टैचूज के ऊपर और इस मैगजीन के ऊपर सिनेबस्टर, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस मैगजीन, एंड रॉनी रॉड्रिक इज अ फैंटास्टिक मैन। आई एम सो हैप्पी, एंड प्लस माय डियर ऑल यू फ्रेंड्स एंड मुंडे जी, रमाकांत मुंडे, जिन्होंने ये सब उनके साथ रह के मिल मिला के आप सब लोगों ने, यू आर लाइक ए फैमिली टू मी शैलेश, यू आर ए फैमिली टू मी, एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ अ फैमिली टू मी। इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। इस तरह की महफिलें चलती रहें और इस तरह के अवार्ड आते रहें, फेलिसिटेशन होती रहे, उससे क्या दिल भी लगा रहता है और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि कोविड के बाद में ये महफिलें, ये रंगीनियाँ, ये लाइट्स, सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सुजॉय जी को ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इनके इनविटेशन पे मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर की, और ये मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करना मेरे लिए सचमुच बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ मुझे बैठने और उनके साथ बात करने मिलेगी और उन्हें इतने करीब से देखने मिलेगा, ये तक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। थैंक यू। सोने से और हीरे से जड़ित ट्रॉफी दी जा रही है, वो भी बाहर इंटरनेशनल लेवल पे। मैं कॉन्ग्रेस करती हूँ ऐसी टीम को जो इतना बड़ा इंडिया के लिए इतना बड़ा प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और ऑल द बेस्ट, और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। वेरी हैप्पी फॉर सिनेबस्टर्स प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये एक ऐसा अवार्ड है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जो हमारे ही इस इंडस्ट्री के लोगों को एक मान सम्मान देना चाहते हैं। सो आई ट्रूली फील दैट सच अवार्ड शुड ऑलवेज बी इनक्रेज, एंड द पर्ल ग्रुप ऑफ द कंपनीज जो इस अवार्ड्स को कर रहे हैं, और सिनेमास्टर्स के जो हमारे आदरणीय हमारे डियर एडिटर साहब हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। एंड आई वेरी स्ट्रांगली फील दैट दीज अवार्ड्स आफ्टर पेंडेमिक एक ऐसा जोश लोगों में लेकर आएंगे, जो मैं समझता हूँ कि इट विल इंस्पायर देम टू पार्टिसिपेट इन दीज अवार्ड्स। ख़ास तौर से मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मैं ये समझता हूँ कि एक हमारा जो रोल होता है जब हमें अवार्ड्स दिया भी जाता है और एक एडवाइजरी पैनल के चीफ के हिसाब से बुलाया भी जाता है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एंड आई स्ट्रांगली फील जिन लोगों का अवार्ड मिलेगा उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो ट्रूली डिज़र्व करते हैं।
और जो शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अवार्ड ना भी मिल रहा होगा, नेवर माइंड, इट्स ऑलवेज ए प्लेजर एंड ए थॉट कि आप दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड आई विश सिनेमास्टर्स अवार्ड ऑल द बेस्ट. चीयर्स, कीप इट अप. थैंक यू, थैंक यू. सिनेबस्टर्स मैगजीन है, मैगजीन तो आपने बहुत देखी, बड़ी बड़ी देखी. ये नई मैगजीन है, मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक हो. और ये जो इन्होंने कदम लिया है अवार्ड देने का, सिनेबस्टर अवार्ड्स, तो अच्छा है. और सुना कि मेरे को भी कुछ अवार्ड देने वाले, आज तक तो कभी मिला नहीं. आज तक तो गालियाँ मिली, जैसे हिरन को पकड़ देते कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे. तो वैसे ही होता था, बस अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है. एंड आई विश माई दिस द ऑर्गेनाइजेशन ग्रेट. सो जॉय इज लाइक ए किड टू मी. थैंक यू. एंड आई वर्क विद हिज फादर. And I don't know, I might work with him also. Very soon. Yes. Yeah, yeah. And I'm here after a long time because of COVID. I've not been going out. And this is a very pleasant moment for me. Yes, एक फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ कल वृक्ष. तो आई हैव अ वेरी नाइस रोल फॉर रंजीत जी, सो आई विल सून गो टू हिम. ही इज वर्क, इन्होंने मेरे पिताजी के साथ काम किया है, लेट श्री जॉय मुखर्जी. फिल्म का नाम था छेला बाबू. पिताजी के साथ, इनके चाचा जी के साथ, इनके सब सबके साथ, पूरा फैमिली जो फैमिली थी. एंड आई होप यू आर ऑल एंजॉइंग इट. Projects. I think so. I should break the news today. मैंने एक तमिल फिल्म साइन की है एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल री एंट्री ऑफ माइंड इन तमिल इंडस्ट्री. सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई प्रोडक्शन हाउस इज मारिकर आर्ट्स. आई होप यू ऑल सी दैट इन थिएटर्स, नॉट ऑन OTT. मैं तो यही बोलूँगा, रॉनी जी इज़ लाइक फैमिली टू मी. मैं उनको बहुत सारों से जानता हूँ, उनके बच्चों को जानता हूँ, वाइफ को जानता हूँ. आई जस्ट फील सो हम्बल टू बी हियर. ही इज़ ऑलवेज वर्किंग वेरी हार्ड अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए. एंड दिस वाज़ द बिगेस्ट इनिशिएटिव ही एवर टेकन. एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट. वेल, अवार्ड महंगा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो. एंड अवार्ड जो होता है उसके साथ में उसका एक वेटेज आता है. एंड नाउ विद द गोल्ड एंड द डायमंड्स, फर्दर मोर वेटेज हैज कम. सो आई जस्ट विश एवरीवन हु इज गोइंग टू विन दिस ट्रॉफी ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग हमेशा देखते ही हैं. एंड कीप सीइंग, आई ऑलवेज कीप डांसिंग. थैंक यू.